हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप DIY कंडीशनर कैसे बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। इससे आपके 100% बाल सिल्की स्मूथ एंड शाइनी हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे एकदम। तो हम बनाने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा जेल। ये मैंने पतंजलि का लिया है एलोवेरा जेल, आप कोई भी ले सकते हैं। प्लांट है आप, अगर आपके घर पर तो आप प्लांट से भी ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए और चेहरे के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसको हम टू स्पून ले लेते हैं। टू स्पून हमें लेना है एलोवेरा जेल। ये देखिए, हम टू स्पून एलोवेरा जेल ले लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। जैतून का तेल हमें हाफ स्पून लेना है। हाफ स्पून हमें लेना है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। और लेना है कोकोनट ऑयल, गरी का तेल। गरी का तेल हमें टू स्पून लेना है। ये भी बहुत बालों में रूसी होने से रोकता है। और चाहिए हमें विटामिन ई का कैप्सूल। एक आप विटामिन ई का कैप्सूल ले लीजिए और एक निडल ले लीजिए। इससे हमें इसमें होल करना है। ये हमने होल कर दिया है और इसको अच्छी तरीके से पूरा कैप्सूल निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है। अब इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये मिक्स हो रहा है, इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है जिससे इसका जो एलोवेरा जेल है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इससे आपसे 100% आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ये देखिए, ये इसको हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और इस क्योंकि इसमें ऑयल है, ये देखिए, इसको मिक्स करिए। अब आप इसको अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको हमें धीरे धीरे अपने बालों पर लगाना है। अगर आपके बाल लंबे हैं ज़्यादा, तो आप अपने बालों के हिसाब से लगा सकते हैं, इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए।